देश भर में लॉकडाउन लगातार जारी है, सड़कें सुनसान हैं। इसी बीच लोगों का पलायन भी लगातार जारी है, मगर शाहदरा इलाके में अभी भी कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और सड़कों पर लगातार गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो कुछ था मेरे पे आज तक, मैंने सारा कुछ राशन पानी पैसे धेले 15-20 दिन में खत्म हो गया। आज मेरे पास कुछ नहीं, आज निकली हूँ अभी मैं, वो भी है ही आई हूँ सीधी सर के पास के जो भी है। और मैंने केजरीवाल के साहब के जो उनके कर्म करता है, मेरे पे 10 नंबर हैं और मेरे पे संस्था वालों के भी नंबर हैं। किसी ने फोन घंटी बजते सब काट देते हैं, किसी ने भी मेरा नहीं उठा। जो टीवी में भी आए हैं 2 नंबर, उनको भी मैंने केंद्र का भी मिलाया है, केंद्र वालों ने बोला जी आगे नंबर देते हैं, वो तो क्या फिर भी है जी। कोई भी हेल्प नहीं हुई मेरी, कुल मिला के अब बताओ क्या करें। इन सबके बीच पलायन कर रहे लोगों को जगह जगह कई संगठन खाना आदि खिला रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। कम से कम साढ़े 1900 बंदा साढ़े इत्थों लंगर छक के चले जा सकया जी। साडा यही फर्ज बनता कि बहुत दुख तकलीफ दे विच दुनिया आ रही है करोना वायरस कारण, लोग इन्ने परेशान आ, घर नहीं जा सकते, लोग राह च धक्के खा रहे, कोई होटल नहीं खुलिया, कुछ नहीं। उन्हां दी खातर साढ़े जो सिख सोसायटी आ, इहदे वल्लों असी रोज़ आपदे वल्लों ये प्रबंध करके इन्हां गरीबां गुरबियां दी खातर ते जो लोग करोना के कारण रुक नहीं सकते उन्होंने असी जरूर छकावांगे, क्योंकि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दुर्गापुरी वालों हाथ जोड़ के बेनती असी तक कहने जो साथों सहायता हो गरीब की असी वध तो वध करांगे। भूखा लोग आते हैं उनको सबको खिला के हमें बहुत परमात्मा की हाजिरी लग रही, परमात्मा के घर में सबका श्रद्धा भला करे परमात्मा, इस दुख की घड़ी तो कढ़े सब न पूरे मुल्क न कढ़े पूरे दुनिया कढ़े इस तो असी जिनी भी सेवा होगी वध तो वध रोज़ असी इतने लंगर लगावे। कम से कम यहाँ 1200 आदमी ने लंगर छकाया है, हमें बहुत खुशी मिली है लंगर छका के। ऊपर वाले की दया से यही अरदास करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ना, इस तो जल्दी जल्दी छुटकारा मिल सके। खैर आने वाला वक्त कैसा होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस मुसीबत के बीच लोग मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एनटीए पॉकेट टीवी के लिए जयराम की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।